हेलो दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से मैं आपका दोस्त अंकित आज आ रखा हूँ थोड़ा सा घूमने। दरअसल सुबह से बारिश थी तो अभी के टाइम पर थोड़ा बारिश बंद हो गई है, तो इसलिए बाहर घूमने आ रखा हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरे पीछे बहेली गांव दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। मौसम की बात करो ना तो मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, मतलब बारिश नहीं है और इसके साथ में मौसम बिल्कुल साफ हो गया, मतलब दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे देख सकते हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो जो आपको ये दिखाई दे रही है ना, ये रोड है, दरअसल कोई खेत नहीं है, रोड है। तो आप इसे भी देख सकते हैं इसका क्या हाल हो रखा है। तो दरअसल अभी के टाइम पर मैं थोड़ा बहुत घूमने आया था, सुबह से बैठ रखे थे घर पे, तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं दिन के। तो मैंने सोचा यार थोड़ा घूम के आते हैं, सुबह से घर पर बैठ रखे हैं, बारिश भी बंद हो गई थी, तो इसकी वजह से मैंने कहा थोड़ा वॉक करके आते हैं ना। लेकिन इसी के साथ में मैंने कुछ कमेंट पढ़े, कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे थे कि भाई वीडियो मतलब रेगुलर क्यों नहीं आ रही है, एक या दो दिन का या फिर उससे ज़्यादा का गैप हो जा रहा है वीडियो में। तो उसका रीज़न ये है कि थोड़ा बहुत मतलब कैमरे के साथ में इश्यू आ रहे हैं। वेदर तो मतलब देख ही सकते हैं, वेदर भी एक प्रॉब्लम है, मतलब जिस तरीके से हर बार चेंज हो जा रही है ना मौसम, जिस तरीके से चेंज हो रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो धूप बहुत कम चांसेस में, तो मौसम क्या हो रहा है कि बारिश ही लगी है ज़्यादातर केसेस में। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, जो मेज़र प्रॉब्लम है, वो है कि कैमरे में दरअसल मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो गई हैं। इसमें से एक प्रॉब्लम है जैसे कि जो कैमरे के अंदर का जो लेंस है ना, जिस कैमरे को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें रिमूवेबल लेंस नहीं है, मतलब फिक्स्ड लेंस है। तो उसमें क्या हो रहा है कि एक तो मॉइस्चराइज़र जम रहा है अंदर को, और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि कैमरे में ना जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक तो हैंग करा बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लग रहा है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम्स आ गई है कैमरे की, राइट। तो एक तो हैंग हो रहा है, मतलब जैसा रिकॉर्डिंग करते करते ना हैंग हो जा रहा है कैमरा, और हीट बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसी के साथ में एक जो मेज़र प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अभी दरअसल मैं कुछ टाइम पहले एडिटिंग कर रहा था ना, तो उसमें से काफ़ी सारी फाइल्स करप्ट हो रखी हैं, तो कैमरा क्या कर रहा है काफ़ी सारी फाइल्स को करप्ट कर दे रहा है, तो उसकी वजह से बीच का जो कॉन्टेंट है ना वो मतलब मिस हो जा रहा है ना ये सब चीज़ें। तो जो अभी मुझे ये कैमरे में जो प्रॉब्लम फेस हो रही है ना, इनके बारे में तो क्या बोले, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया था मैंने, इसके साथ में जो एक्सेसरीज़ खरीदी थी वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थी। तो जो मैंने ये सेटअप ख़रीदा था इस कैमरे के साथ में, उसका पूरा कॉस्ट मोर देन 68,000 का पड़ा था मुझे पूरा ये सेटअप, मतलब जितना भी मैंने ख़रीदा था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अचानक से कैमरे में प्रॉब्लम आना बहुत बुरी चीज़ है यार। वैसे वारंटी में तो कैमरा है, लेकिन यह है ना कि वारंटी में देने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद वही है कैमरे में, मतलब कैमरे को बनने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो वही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर कैमरा चले जाता है तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी बीच में। और अभी के टाइम पर आप देख भी रहोगे कि कुछ वीडियो मिस हो रही हैं, और इसी के साथ में दरअसल जो मॉइस्चराइज़र जम रहा है ना कैमरे के लेंस के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं मतलब क्वालिटी को डिग्रेड कर दे रहा है, ब्लर सा कर दे रहा है ना इमेज को, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अभी के टाइम पर मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स करूँ। दरअसल मैंने 5-6 व्लॉग मैंने शूट कर रखे, और मैंने जब वो प्ले करे मतलब घर पे आके, मैंने उस टाइम पर देखा नहीं, लेकिन जब मैंने घर पे आके देखा तो उसमें से बहुत सी फाइल मतलब करप्ट हो रखी हैं, काफ़ी सारी फाइल करप्ट हो रखी हैं। तो उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है कि मतलब बीच बीच के जो सीन है ना वो मिस हो गए, और कहीं ना कहीं यार मेज़र प्रॉब्लम है मतलब कैमरे में, और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी थी ना मैंने पहले ही, तो दोबारा मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट इतनी दोबारा नहीं कर सकते। होपफुली मतलब ये है कि जितना जल्दी मतलब यूट्यूब चैनल ग्रो होगा तो उतनी जल्दी मैं कैमरा भी ख़रीद पाऊँगा नहीं यार। तो देखते हैं फिर भी मतलब कब तक काम कर पाता है इस कैमरे से, कब तक काम चल सकता है। दरअसल इस कैमरे का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना वो यही है कि आप यहाँ पर कहीं पर मतलब लोकल में, खैर लोकल में तो कोई भी कैमरा नहीं बनता है, लेकिन इसमें यही है कि इसका सिर्फ जो सर्विस सेंटर है ना पुणे में है, तो वहाँ जाएगा कैमरा, और अप्रोक्सीमेट मतलब ये लगाओ कि एक या दो महीना लग सकता है उसमें, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसा अभी मैं GoPro को यूज़ कर रहा हूँ, अभी के टाइम पर ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये GoPro से ही कर रहा हूँ अभी, तो मतलब ये होपफुली मतलब आगे चल के ये फाइल भी करप्ट ना हो, उम्मीद तो यही है। लेकिन देखते हैं फिर भी। तो अभी इस जगह को देख सकते हैं, ये जगह बहुत खूबसूरत आ रही है, बिल्कुल सीधा आगे उन चोटियों में ना, बिल्कुल आगे मेरा गांव है, उन चोटियों के पीछे जो आपको सीधा बिल्कुल आगे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर बादल लगे हुए, और इसी के साथ में ये जगह भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो जो व्लॉग डेली ना आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना वो यही है कि मतलब कैमरे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कैमरे में आ रही है, कि कहीं ना कहीं मतलब दिक्कत होती है यार, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, मतलब कई सारी क्लिप्स
करप्ट हो जा रही है, तो उसकी वजह से होता है ना कि बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाती है, तो वही दिक्कत है। अगर मैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे अभी के टाइम पर मैं मतलब काफ़ी प्लान करके आया था, जो पौड़ी की ट्रिप थी उसको प्लान करके आया था, लेकिन अचानक से ये इशू फेस होना कहीं ना कहीं मतलब बेकार है, अच्छा नहीं लगता है ना कि भाई इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ इन्वेस्ट करके और इसी के साथ में यहाँ पर मतलब इतना टाइम लगा दिया है, और फिर उसके बाद जब देखता हूँ तो फाइल्स मतलब काफ़ी सारी करप्ट हो रखी हैं। लेकिन देखते हैं ये कैमरा कब तक काम कर पाता है, होपफुली मतलब साथ दे, ये वाली ट्रिप तो कम्प्लीट हो जाए कम से कम, तो उसके बाद कुछ जो आगे चल के वैसे फ़ोन से ही करूँगा अगर ये कैमरा काम नहीं करता है। फ़ोन में एक चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, स्टेबलाइजेशन का, क्योंकि फ़ोन में स्टेबलाइजेशन नहीं है ना तो पिक्चर बहुत ज़्यादा शेक होगी फिर। तो देखते हैं कब तक कैमरा काम कर पाता है। ठीक है, जब एक टाइम पर मैं कैमरा यूज़ कर रहा था वो GoPro Hero 8 कर रहा था, अब सोच रहा हूँ अगर ये हो ही जाता है, अगर ख़राब हो ही जाता है तो या तो DSLR पे स्विच करूँगा या फिर सोनी ZV-1 करके कैमरा है जो कि व्लॉगिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होता है कैमरा, तो या तो उस पर स्विच करूँगा आगे चल के, लेकिन अभी के टाइम पर नहीं, थोड़ा सा YouTube से अर्निंग आने देते हैं। तो होपफुली आपको मतलब जो क्वेश्चन थे आपके कि क्यों व्लॉगिंग कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही, आपको आंसर मिल गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होपफुली आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे।